it is what I thinking, how, what is hindering me to pray to God. तो मैं इस विषय पे ध्यान कर रहा था कि क्या है वो चीजें या बातें जो मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करने में रोकती है. So I can say several things, but in my life, what is hindering me, especially in my life, what is hindering me to pray earnestly to God. तो ऐसे बहुत सारे चीजों का तो वर्णन मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे खुद के जीवन में ऐसे चंद बातें हैं जो मुझे परमेश्वर से, परमेश्वर में यत्न के साथ प्रार्थना करने में मुझे रुकावट लाती है. So it is easy to, when the man of God says like that, it is very easy to speak about the prayer. तो एक धर्मी व्यक्ति ने इस तरह से कहा कि प्रार्थना के बारे में बात करना बहुत आसान है. Even devil also, he will not upright if you are speaking about the prayer. तो यदि हम प्रार्थना के बारे में बातें करते रहेंगे तो शैतान भी वहाँ पे हमें नहीं रोकेगा. But when we are praying, kneeling down or praying to God, that time only he will upright. लेकिन जब हम घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू करते हैं या प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तभी जाकर शैतान भी हड़बड़ा जाता है. So the main thing I seen in my life, if I don't have the belief, the trust on God, I won't pray. तो ये मेरे जीवन में मैंने देखा है कि जहाँ पर मुझे परमेश्वर के ऊपर जब भरोसा नहीं होता है, तब मुझे प्रार्थना करने का दिल भी नहीं होता है. So we read verse Isaiah 28 verse 16. तो यशाया के 28 के 16 में हम देखते हैं. Isaiah chapter 28 verse 16. और यशाया उसका 28 का 16. Who believe in God, he will not be disturbed. और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा. सो दिस इज व्हाट, सो इफ एनी पर्सन इज प्रेइंग टू गॉड, हैविंग फेथ एंड प्रेइंग टू गॉड, ही विल नॉट डिस्टर्ब इन हिज लाइफ. तो यदि कोई व्यक्ति भरोसा, परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए वो प्रार्थना करता है, तो वो कभी भी उसकी जिंदगी में बेचैन नहीं रहेगा. Even that Paul also praying for everyone. तो हम देखते कि प्रेरित पौलुस भी हर एक के लिए वो प्रार्थना करता है. Whenever I am remembering you, I am always praying for you. तो वो कहता है कि जब कभी भी मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ. For what purpose I am praying? लेकिन मैं किस चीज़ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ? Because your faith need to be grown. ताकि तुम्हारा जो परमेश्वर के ऊपर का जो विश्वास है, वो और बढ़ना चाहिए. So we read verse Philippians chapter 4. तो फिलिपियों के चौथे अध्याय की ओर मुड़ेंगे. Philippians chapter 1 verse 4. फिलिपियों के पहला अध्याय, उसमें वचन 4. Can you read? और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ, तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ. And actually in English verse 6, I read from message Bible. Never been the slightest doubt in my mind. God started this great work. He will be faithful until Christ come. छठवें वचन में, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही यीशु मसीह के दिन तक वो पूरा करेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं. सो इन माय लाइफ आई ऑलवेज वांट टू रिमेंबर दिस वर्स, गॉड हैज स्टार्टेड द ग्रेट वर्क इन मी. तो इस मेरे जिंदगी में भी हमेशा इस वचन को मैं याद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझ में एक बड़ा कार्य को शुरू किया है. He is faithful until Jesus come. और इस काम को पूरा करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक वो करने के लिए मैं उस पे भरोसा रखता हूँ. I just want to always remain in this. और हमेशा इस चीज को, अपने आप को मैं याद दिलाते रहना चाहता हूँ. So we also read the verse we just read in Tamil, Viswasikiravan Padaran. तो हमने अभी वो भी वचन देखा है कि जो विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर, वो कभी भी बेचैन नहीं रहेगा. So this is what I always want to keep in my life. I always want to have a faith so that I can go to God easily and I can pray and I can get it. और इसलिए इस चीज को हमेशा मेरे दिल में मैं बनाए रखना चाहता हूँ कि हमेशा परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा रखूँ, और भरोसा रखते हुए परमेश्वर के पास जाकर मैं प्रार्थना करूँ ताकि वो मेरी बातें सुने. And also we read from Luke verse 18 verse 8. और लूका के 18 में वचन 8 में भी हम देखते हैं. So he was telling about the prayer. Like the widow woman who is asking for justice, that person is not at all afraid to God.
तो हम यहाँ पर उस दुष्टांत को देखते हैं जहाँ पर वो विधवा स्त्री वो जाकर कुछ मांग करती है लेकिन वो जो न्यायाधीश है वो परमेश्वर को नहीं डरने वाला एक न्यायाधीश है. But she was earnestly asking and keep on disturbing him and then finally that man helped her. और लेकिन वो विधवा स्त्री जो है बार बार लगातार यत्न के साथ उसके पास जा जाकर अपने मांग को वो रख रही थी और आखिरकार जाकर उस न्यायाधीश ने वो ऊब कर उसके मांग को पूरा करता है. Then what Jesus is telling in the parable from the parable, the finally the Luke chapter 18 verse 8. और लुका के 18 के 8 में फिर आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने एक सीख समझाई. Whether will see faith on me. क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? So while coming, the son of man coming back, whether Jesus can see faith on me. और फिर जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे तब वो क्या मुझ में वो विश्वास पाएगा? So this is what I always thinking that whether Jesus can see faith on me. तो इसीलिए इस बात पर हमेशा मैं सोचता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह मुझे देखते हैं क्या मुझ में वो विश्वास को देख पाते हैं या नहीं. So because we are not believing, then we are not praying to God. और क्योंकि हम विश्वास नहीं करते इसलिए हम प्रार्थना नहीं करते. So I also and also for what purpose we need blessing from God. और फिर किन विषयों को लेकर परमेश्वर से हम आशीषों की चाह रखते हैं? Brother Jairaj also borrowed one video from the Zach Poonen. और Brother Zach Poonen का एक संदेश Brother Jairaj ने forward किया था. So what is the pray in spirit and pray with spirit. तो आत्मा में प्रार्थना करना और आत्मा के साथ प्रार्थना करना इसमें ये क्या बातें हैं? If I'm praying for myself, my self-centered prayer, that is always the praying in my own spirit. तो यदि मैं स्वकेंद्रित प्रार्थना करता हूँ तो उसका मतलब यह कि अपने खुद के आत्मा में रहते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ. If I am praying for God-centered, heart-centered prayer, then I am praying in the Holy Spirit. लेकिन यदि मैं परमेश्वर केंद्रित प्रार्थना करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करता हूँ. So in my, if I have sin in my life, I won't pray. तो यदि मेरे जीवन में पाप है तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा. So this is what we reading in we also read during the meeting Psalm 66 verse 18. और भजन संगीता उसका 56. Yeah, Psalm 66 verse 18. और भजन संगीता उसका 67 का 18. यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता. So this is what in my life, if I having any sins in my life, then I won't pray. तो यही चीज मेरे जीवन में भी होते हुए मैंने देखा है कि यदि मेरे दिल में पाप है तो मैं कभी भी प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा. So God also, why Jesus sent to this world? तो परमेश्वर ने भी अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में क्यों भेजा? So he also want to give some blessing. What is the blessing? क्योंकि वो भी हमें आशीष बरकना चाहता था और वो आशीष क्या है? The main blessing what the Bible wrote Acts chapter 3 verse 26. और प्रेरितों के काम की 3:26 में वो मुख्य आशीष के बारे में उल्लेख किया गया है. Acts chapter 3 verse 26. और प्रेरितों के काम उसका 3:26. God having raised up his servant sent him to you first to bless you by turning every one of you from your wickedness. परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे. Yeah, so the Jesus, this is what our blessing we always need to look for God. और इसी तरह के आशीष को हमेशा परमेश्वर से पाने के लिए हमारे दिल में एक आग्रह होनी चाहिए. If I am really blessed by God, that is not I am getting some house or good job, I am getting more salary. It's not the real blessing what Jesus is mentioning here. और गाड़ी बंगला और धन संपत्ति ऐशो आराम ये सारी चीजें जो है इसको हम परमेश्वर से पाई हुई आशीष नहीं कह सकते. The spiritual blessing I am free from all my wickedness and sins. और असली आशीष जो परमेश्वर देता है वो ये है
कि हमारे सारे पापों से सारी दुष्टता से परमेश्वर हमें वो छुड़ा पाता है फॉर दिस ब्लेसिंग ओनली जीसस सेंट गॉड सेंट टू जीसस टू दिस वर्ल्ड और इस आशीष को पाने के लिए ही परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है आई वांट टू ईगरली लुक ऑन दिस द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आई वांट टू ऑलवेज फ्री फ्रॉम द सिंस और फिर ये इस तरह के जो आत्मिक आशीष को हमेशा मैं पाते रहना चाहता हूं जहां पर मेरे हर एक पाप से मैं फेर कर परमेश्वर की ओर मुड़ जाऊं आई कैन लूज एवरीथिंग बट आई कैन लूज एवरीथिंग फॉर गॉड बट आई डोंट वॉन्ट टू लूज गॉड सारी चीजों को मैं परमेश्वर के लिए खोने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं परमेश्वर को खोने के लिए तैयार नहीं हूँ सो द मेन थिंग इज वी आर इफ यू हैव अ सिन इन आवर लाइफ वी डोंट हैव अ फेथ देन वी वोंट प्रे तो ये मुख्य बात यह है कि हमारे जिंदगी में यदि पाप है तो हमें वो जीवन नहीं होगा हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे सो इवन वी रीड इन 1 थिस्सलोनियन पहला थिस्सलोनियन में हम देखते हैं Actually, I have not read the verse. For God wants you to be holy that you should abstain from sexual immorality. I don't know the verse. 1 Thessalonian. Pehla Thessalonian, dil mein suna tha. Yeah, for God wants you to be holy. Kyunki Parmeshwar chahta hai ki tum pavitra bano. That you should abstain from sexual immorality. Taki sharirik aur laingik abhilashaon se tum chutkara pao. So God always looking we should be holy life परमेश्वर हमेशा देखता है और चाहता है कि हम पवित्र जीवन के इच्छा रखें So in my life always I am what is stumbling in my life तो मेरे खुद के जीवन में रुकावटें कौन सी हैं So that is especially sexual immorality और ये खास करके शारीरिक अभिलाषाएं हैं So even though I am married but still I am getting more lusting in my life तो मेरी शादीशुदा होने के बावजूद भी ये हवस के सोच विचार अभिलाषाएं बहुत अधिक उत्पन्न होती है Still I want to more और अधिक मैं चाहता हूं but in our life if we have a sexual immorality in our life then we cannot be a holy life लेकिन यदि हमारे जीवन में शारीरिक अभिलाषाएं के पाप होंगे तो हम एक पवित्र जीवन बिता नहीं पाएंगे So Jesus also always telling that if you have lust in on eye just pluck it out तो प्रभु यीशु मसीह ने भी ये चीज को बताया कि यदि तुम्हारे आंखों में कुछ कमी घटी है तो उस आंख को तुम निकाल कर फेंक दो Brother Victor also says one time और ब्रदर विक्टर ने भी इस तरह से एक बारी बताया था So we may see YouTube or some Facebook हम YouTube या Facebook में कुछ ऐसे देख रहे होंगे There was some cinema trial is going तो वहां पर the movie trial वहां पर एक पिक्चर का एक ट्रेल चलता है just for 1 minute or 2 minute तो शायद वो ट्रेल सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए होगा It's like you have some fire on your eyes लेकिन वो इस तरह से होता है जैसे कि तुम्हारे खुद की आंखों में एक आग शोला भड़कती है Our eyes should be always fire लेकिन हमारे आंखों में हमेशा वो जो आग है वो जलती रहती है Then only we easily free from the lust of eye तभी जाकर हम इस तरह के पाप से हम आंखों की हवस से हम छुटकारा पा सकते हैं बट इफ यू वॉचिंग जस्ट 1 मिनट और 2 मिनट देन वॉट यू आर फोरिंग कोल्ड वाटर ऑन योर आईज लेकिन जब यदि आप सिर्फ 1 या 2 मिनट ही सोचकर उस वीडियो को या ट्रेल को देखते रहते हो तो परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया है तुम्हारे आंखों में उस अभिषेक के ऊपर तुम ठंडा पानी डाल देते हो सो देन यू विल नॉट हैव एनी होली लाइफ फिर ऐसा एक जीवन करने से तुम्हारे जीवन में कोई पवित्रता नहीं होगी देन यू विल बी अ बैकस्लाइडर फिर हम एक पीछे हटे हुए मसीह होंगे वी आर थिंकिंग जस्ट 1 मिनट और 2 मिनट हम सोचते कि तो सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए मैं देखता हूँ We know that the word Hebrew chapter 12. हम उस वचन को जानते हैं हिब्रानी के 12वें अध्याय में. The sins are surrounding us and easily entangling to us. कि पाप जो है चारों तरफ से हमारे और घिरा हुआ है और हमें फंसाने में आसानी से वो कामयाब हो जाता है. But we will go astray. और इस तरह से हम भटक जाएंगे. So finally, I want to say one verse. आखिर में एक वचन को मैं बताना चाहता हूँ. 1 Peter 4 verse 7. पहला पत्रस उसका 4:7 द एंड ऑफ ऑल थिंग इज नियर सो बी सीरियस इन योर बिहेवियर एंड सेल्फ कंट्रोल एंड कीप ऑन द वॉच विद प्रेयर सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो सो आई हैव टू बी वेरी
clear mind in my life, so I have to pray always. और यदि मेरे जीवन में हमेशा एक स्पष्ट मनसा रखना है, तो जरूरी है कि हमेशा मैं प्रार्थना करते रहूं. Even I am speaking that, I am speaking about prayer, but I don't want only to speak prayer. I want to kneel down and pray to God, and I want to have a very victorious life in my life. और सिर्फ प्रार्थना के बारे में बातें ही करते रहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं प्रार्थना करते हुए परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए मेरे जीवन में एक जय जीवन जीना चाहता हूँ. And also I want to have a faith on God. और इसके साथ में मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहता हूँ. So then easily I can go to God and I can get whatever the required the spiritual blessing. और फिर आसानी से, इस तरह से आसानी से मैं परमेश्वर के पास जाकर जो आत्मिक आशीष वो मुझे देना चाहता है उसे मैं पा सकता हूँ. The main spiritual blessing is I have to free from all the sins. और सबसे मुख्य आत्मिक आशीष ये है कि सारे पापों से मैं छुटकारा पाऊँ. God will help to everyone and me. परमेश्वर हम में से सभी को और मुझको मदद करेगा. Amen. Amen.